नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करके यह बात पूछे जा रहे थे कि आप हमें बताइए, इग्नू दिसंबर 2020 में जो परीक्षा होने वाले हैं उसमें हम क्या क्या लेकर जाएंगे, क्या क्या लेकर नहीं जाएंगे, इग्नू के द्वारा कुछ नए बदलाव किए गए हैं। इन्हीं तमाम बदलावों के बारे में यहाँ पर हम वन बाय वन करके जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों, परीक्षा हॉल के अंदर क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, कौन कौन सा ड्रेस पहनना है, क्या हमें जीन्स टॉप पहनना है, क्या हमें सूट बूट ड्रेस पहनना है, क्या हमें जूता चप्पल पहन के जाना है, क्या हमें चप्पल पहन के जाना है, क्या हमें पूरा मेकअप करके जाना है, क्या हमें काजल लगा के जाना, क्या हमें लिपस्टिक लगा के जाना, क्या हमें इयररिंग पहन के जाना, क्या हमें नोज रिंग पहनना है, क्या हमें मंगलसूत्र पहनना है। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी विद्यार्थियों के अंदर जो है गुजरे होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इग्नू दिसंबर 2020 में जो परीक्षा होने वाले हैं उसमें क्या क्या लेकर जाने होंगे आप सभी को। परीक्षा हॉल के अंदर क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है, क्या क्या लड़की पहन कर जाएँ, क्या क्या लड़का पहन कर जाएँ, क्या क्या शादीशुदा महिलाएं पहन कर जाएं और क्या क्या नहीं पहन कर जाएं, इसी सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाले। तो कंप्लीट जानकारी देंगे इस वीडियो में देंगे दोस्तों, जरूर वीडियो को पूरा कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। हमारे एक बहुत ही अच्छे जाने माने स्टूडेंट हैं जिन्होंने यह सवाल पूछे हैं कि एक वीडियो बनाइए जिसमें एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाने हैं, वो भी पूरी डिटेल में पूछेंगे दोस्तों। बता दें ये जो है पूरी डिटेल में ये वीडियो है, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर आपके पास समय है तो वीडियो को कंप्लीट देखें, अदरवाइज वीडियो को यहीं पर ही रोक कर अपना काम चले जा सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया, जाइए कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई गाना देखिए, मौज मस्ती करिए, यहाँ पर आपका ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सच में पहली दफ़ा में अगर क्रैक करना चाहते, पहली दफ़ा में 100 में 98-95 मार्क्स लाना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिएगा ज़रूर। आपको इसमें बहुत सारा चीज़ें जो कि सीखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारा जो अच्छे अच्छे जानकारियाँ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों कंप्लीट रूप से जानकारी देखते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन 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 दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि आज का सवाल का जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा। आज का सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए ताकि हम भी जान पाएँ कि कितने लोगों का जो है तैयारी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। दोस्तों आप सभी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं, बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं, इतने ईजी क्वेश्चन के आंसर अगर आप नहीं जानते हैं तो बेकार है ईजी बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में पढ़ना। इसलिए सिंपल सा जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर से ज़रूर छोड़ें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको सवालों का जवाब यहां पर बताते हैं। ये सभी लेकर दोस्तों आपको जाने होंगे, तो क्या क्या लेकर जाने हैं आइए वन बाय वन करके यहां पर डिटेल में आपको जो है आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़, अभ्यर्थी को अपना एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड लाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आईडी कार्ड कहने का मतलब है दोस्तों, आपके द्वारा जो इग्नू के द्वारा जो आईडी कार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, वो आईडी कार्ड आपको एग्जामिनेशन हॉल के भीतर लाना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों और बड़ी बदलाव किया गया है कि उनकी जो नवीनतम रंगीन फ़ोटो, दो पीस फोटो लाना जरूरी है जिसकी साइज़ 3 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी कि पीपी होना चाहिए। पीपी मतलब होता है दोस्तों पासपोर्ट साइज, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपके पास दो पीस होना चाहिए। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों, आपको पता है बहुत सारे विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं रहता है, तो वहाँ पर फ़ोटो को चिपका कर उस पर सिग्नेचर और मोहर लगाया जाएगा ताकि आपके एडमिट कार्ड को वैलिड हो सके। अब सबसे बड़ी सवाल है कि यदि हमारे एडमिट कार्ड में ऑलरेडी फ़ोटो है
तो क्या हमें फ़ोटो ले जाने होंगे या नहीं होंगे? जी हाँ दोस्तों, फिर भी आप दो पीस अपने साथ में ज़रूर फ़ोटो ले जाएं, कभी भी हो सकता है आपसे मांगा जाए। तो यदि आपके सामने में रहेगा तो आप वहाँ पर फ़ोटो जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ नए नए नियम हैं जो कि बदलाव किया जा रहा है इग्नू की तरफ से। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट में स्पष्ट फोटो वाला कम से कम जो है ओरिजिनल का एक मूल पहचान पत्र आपको लाना होगा। ध्यान रखिएगा, आपको मूल पहचान पत्र आपको लाना आवश्यक है। मूल पहचान पत्र किसको कहते हैं? वो भी ओरिजिनल वाला। जैसे कि पहला, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ला सकते हैं, आधार कार्ड है तो आधार ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं, या विश्वविद्यालय या कॉलेज का आईडी कार्ड भी आपका चलेगा, या मतदाता पहचान पत्र भी चलेगा, या नंबर पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भी आपका पास जो है पैन कार्ड भी आपका चल जाएगा। इस बात को जो है दोस्तों खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि आप सभी नीचे कमेंट करके बताइए आपके पास क्या है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या वोटर कार्ड है, या पैन कार्ड। इनमें से जो जो चीज़ आपके पास है सभी को नाम लिखकर सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दें, ताकि हम भी जान पाए कि आपके पास है तो है क्या। ये सब सारे चीज़ें दोस्तों फोटोकॉपी नहीं लाना है, आपके पास जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल लाना होगा। दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन में कुछ नई नई बदलाव किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, तो ये सारे के सारे चीज़ें जो कि आपको ध्यानपूर्वक देखने होंगे। इसके अलावा दोस्तों पहनावा कैसा होगा, तो पहनावा कैसा होगा दोस्तों यह भी ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि पहनावा आप सभी का पैसा कैसा होगा। सबसे पहले लड़का के लिए दोस्तों, यदि आप लड़का हैं तो आपके लिए यह पहनावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसी टाइप से ही पहनकर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने होंगे, इसीलिए वीडियो को कम्प्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। अगर आप दोस्तों लड़का है तो, यदि आप लड़का है तो आप सिंपल पैंट और शर्ट पहन कर जाए। ध्यान रखिएगा, आपका पहनावा एकदम सिंपल होना चाहिए, कोई सूट बूट नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं दोस्तों किसी भी प्रकार का जीन्स या सूट बूट पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं, इस बात को खास और ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब परीक्षा होते हैं तब बहुत ज़्यादा सूट बूट पहन के जाते हैं। तीसरा दोस्तों, यहाँ तक कि ना ही जूता पहने ना ही मोजा पहने, सिर्फ सिंपल जो है चप्पल पहनकर ही आपको जाना होगा। यानी कि दोस्तों किसी प्रकार से जूता का प्रयोग ना करें, सिर्फ जो सिंपल चप्पल है उसी चीज़ का ही पहनकर जाएं। इसके अलावा दोस्त, अगर आप लड़की हैं, यदि आप लड़की हैं तो लड़की के लिए किस प्रकार के होंगे दोस्तों? यहाँ पर दो प्रकार के लड़कियाँ होंगे, एक लड़की वैसे होंगे जिनका शादी हो गया होगा, और एक लड़की वैसे होंगे जो जिनका शादी नहीं हुआ होगा, यानी कि अनमैरिड। तो अनमैरिड है तो क्या पहन के जाने, और अगर मैरिड है तो क्या पहन के जाने, मैंने पूरी की पूरी बातों को कवर किया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यदि आप लड़की हैं तो, यदि आप एक लड़की हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, यदि आप लड़की हैं दोस्तों तो आप एक से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा सूट बूट या ज़्यादा मेकअप में नहीं जाएं। बहुत सारा लड़कियाँ क्या करती है कि जब एग्जामिनेशन होती हैं तो उससे पहले ब्यूटी पार्लर में जाकर पूरा आईब्रो बनाना, मेकअप करना, ब्लीच करना, फेशियल करना, इस प्रकार से तमाम चीज़ें जो है अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ही परीक्षा देने जाते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रकार से मेकअप करने से आप बिल्कुल भी बचें। अगर आपको ब्यूटी पार्लर जाना ही है तो एग्जामिनेशन के बाद जाइएगा, या एग्जामिनेशन शुरू होने से बहुत दिन पहले अगर आप गए हैं तो ठीक है, लेकिन कल एग्जामिनेशन है और आज जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर में पूरा मेकअप किट करने के लिए दोस्तों, वहां पर परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, कोई ऑडिशन देने के लिए नहीं जा रहे, कोई आपको बॉलीवुड और या हॉलीवुड में आपको नहीं बुलाया जा रहा जो कि ऑडिशन आप वहाँ पर देने जा रहे, आप वहाँ पर परीक्षा देने के लिए जा रहे। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सिंपल में जाएं, बिल्कुल भी मेकअप ना करें। जो नॉर्मल मेकअप जैसे घर में आप रहते हैं उसी प्रकार से ही आप जो है मेकअप करके जाएं नॉर्मल में। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता दें कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल
कोई सूट ही पहन कर जाए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लड़कियाँ क्या होती है कि सिंपल नहीं पहनती, बहुत ही तमाम झाम जो है पूरा झिटपिट झिटपिट पूरा पहन कर चले जाते हैं। तो इस सब चीज़ से आप बिल्कुल भी बचे दोस्तों, यहाँ पर इस सब सारे बातों का ध्यान रखिए। तीसरी पॉइंट में दोस्तों, लड़कियां बहुत सारा क्या करती हैं, उन सभी का चहेदा होता है जींस और टॉप, बहुत ज़्यादा उनको पसंदीदा होता है। तो ऐसे चीज़ों से आप बिल्कुल भी बचें, जींस टॉप का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एग्जामिनेशन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंपल सूट, सिंपल जो है जो भी आपका सूट सलवार सूट होते हैं उसी चीज़ को ही पहने। ईयर रिंग का जो है बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, छोटे छोटे से टॉप आते हैं उसको कान में लगाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ना ही करें तो अच्छा है। नोज रिंग का तो प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और गला का चेन बिल्कुल भी नहीं पहने। अगर आपके शौकीन हैं गला में पहनने के लिए तो आप आज ही का आज ही खोल कर जो है दोस्तों रख दें, और यहाँ तक कि अगर आपके पास छम 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 पायल पहनने की अगर आदत है, बहुत सारे लड़कियों को पायल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो अगर आप पायल भी पसंद है तो आप घर पर रख लें उसको भी बिल्कुल भी ना पहने। यानी कि मिला जुला कर कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी प्रकार का कोई भी मेटेरियल से बना वस्तु ना पहने, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंपल में जाए। याद रखिएगा सिर्फ सिंपल में जाना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल वस्तु इस बात से पहनना मना ही है। इसीलिए दोस्तों आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी ये सारे चीज़ें बिल्कुल भी ना पहने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंपल में जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोई भी सिंपल चप्पल नॉर्मल चप्पल पहन कर जाए, सैंडल का यूज ना करें। बहुत सारे लड़कियां क्या करते हैं, दो दो हाथ का लंबा लंबा खूब लंबा लंबा सैंडल खरीद के रखे हुए, वे एक सैंडल क्या करते हैं बाहर जाने के लिए पहनते हैं। तो आप कृपया करके सैंडल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, जितने हो सके जो नॉर्मल चप्पल आता है जैसे घर में आप लोग पहनते उसी टाइप से ही चप्पल पहन कर जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी भारी भरकम ना पहन के जाए। अदरवाइज दोस्तों ज़्यादा टेंशन आपका चप्पल पर रहेगा, अपना मेकअप किट पर रहेगा, पढ़ाई पर जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा, परीक्षा पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जितना हो सके सिंपल में पहन के जाए। अब अगली टॉपिक से शादीशुदा महिलाओं के लिए क्या क्या पहन कर जाए। दोस्तों यदि आप शादीशुदा महिलाएं हैं, यानी कि अगर आप नए नए शादी हुए, जब कोई लड़की का नया नया शादीशुदा होते हैं दोस्तों तो वे सभी भी जींस टॉप पहनना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन बीतता है वैसे वैसे वे जो है साड़ी ही पहनना पसंद करते हैं। तो यदि आप शादीशुदा महिला हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा सूट बूट में बिल्कुल भी ना जाएं, ज़्यादा हाई फाई में ना जाएं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो नए नए शादीशुदा होते हैं लड़कियाँ वे बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं अपने पति को अट्रैक्टिव करने के लिए, दिखाने के लिए। इसीलिए ये सब बातों से बिल्कुल भी ना जाए और अपना सिंपल में जाए, क्योंकि दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, आप कोई शूटिंग में नहीं जा रहे, इस बात को आप सभी खास ख्याल रखिएगा। कोई भी सूट पहन कर जाए दोस्तों या साड़ी पहन कर जाए, दोनों में से किसी एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जींस टॉप बिल्कुल भी ना पहने, ध्यान रखिएगा जींस टॉप का प्रयोग नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप सभी साड़ी पहन सकते हैं, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, जो भी शादीशुदा लड़की हैं, नया नया भी शादी किए, फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वे सभी साड़ी ही पहन के जाए, सूट का प्रयोग ना करें। हाँ, अगर आपके पास शादी नहीं हुआ है तो आप सूट पहन सकते हैं, लेकिन 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 दोस्तों जींस टॉप का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आप शादीशुदा है चाहे कंवारी है, किसी को भी यहाँ पर जींस टॉप पहनने की अलाटमेंट नहीं है, और ईयर रिंग बिल्कुल भी नहीं, नोज रिंग बिल्कुल भी नहीं, गला का चेन बिल्कुल भी नहीं पहनना, इस बात को ध्यान रखिएगा, गले में चेन बिल्कुल भी नहीं पहनना और पायल बिल्कुल भी नहीं पहनना, और हाथों में जो चूड़ी पहनते हैं दोस्तों, जैसे कि शादीशुदा के जो महिलाएं होते हैं उन्हें चूड़ियां पहनना पड़ती है, तो अपने चूड़ी को अपने कंगन को घर में खोल कर रख ले, अपने जो है दोस्तों घर में खोल कर रख ले, वहां पर किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज़ पहन कर नहीं जाना, किसी भी प्रकार का कोई भी मेटेरियल पहन कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, पहनना नहीं है, ना ही पहनने दिया। से ज़्यादा हो सके दोस्तों तो सिंपल में जाए, किसी भी प्रकार का कोई सिंपल ड्रेस में ही
जाइएगा। इस बात को खास ख्याल रखिएगा, सिर्फ सिंपल नॉर्मल जैसे घर में रहते हैं उसी प्रकार से ही आपको जाना है। कोई भी सिंपल चप्पल का प्रयोग करें, बिल्कुल भी सैंडल का प्रयोग नहीं करने। अक्सर आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अक्सर ये चीज़ देखा गया है एग्जामिनेशन में, लड़कियाँ ज़्यादातर सैंडल या हाई फाई ड्रेस खूब पहन लेती है, उसके बाद जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इन सभी से आप बिल्कुल भी बचे, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी बातों का अनदेखा ना करें, ध्यान रखें, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लड़का है चाहे लड़की है, आपके लिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोस्तों हाथों में ग्लव्स यानी दस्ताना पहनना जरूरी। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, दोनों के लिए सेम से रूल्स दिया गया। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल भी लेकर नहीं जाने, कौन कौन से चीज़ें नहीं लेकर जाने, आइए यहाँ पर कुछ तमाम लिस्टेड दिया गया, इस लिस्ट को यहाँ पर दिखाते हैं दोस्तों, कौन कौन से लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर लिस्ट को हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम जैसे कागज़ के टुकड़े, पुस्तक, पत्रिका, साफ कागज़ इत्यादि को बिल्कुल भी नहीं ले जाने हैं। लेखन सामग्री दोस्तों आप सभी को सिर्फ पेन हो, पेंसिल हो, ये सब चीज़ लेकर जाना है, ज्योमेट्री हो, पेंसिल बॉक्स, ये सब चीज़ आपको लेकर जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पाउच या स्केच पेन या मार्कर है, स्केल बोर्ड, ये सब जो है बिल्कुल भी लेकर दोस्तों नहीं जाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको लेकर नहीं जाना, यहाँ तक कि कोई भी मोबाइल फ़ोन को लेकर नहीं जाना है, बटन कैमरा लेकर नहीं जाना है, सिम कार्ड नहीं लेके जाना, घड़ियाँ दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लेके जाना, सिंपल घड़ी है तो ले जाइएगा, नहीं तो मत ले जाइएगा। उसके बाद हैंडल स्कैनर भी नहीं ले जाना है दोस्तों, कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं ले जाना, हेड या हेयरफोन का प्रयोग नहीं करना, हेल्थ बैंड्स का प्रयोग नहीं करना, पेन कैमरा नहीं ले जाना, स्टोरेज डिवाइस नहीं ले जाना, रेडियो डिवाइस, रिमोट डिवाइस बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, वाहन की चाबी भी नहीं अंदर ले जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल भी नहीं ले जाना है दोस्तों। ये सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन इग्नू के द्वारा नए अपडेटेड किए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर और भी कुछ यहां पर दिया गया है दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर देख पा, आग्नेय जैसे कि बुलेट प्लेट सहित या अन्य कोई औजार आपको नहीं ले जाना, खाद्य पदार्थ खुला या पैक किया हुआ, पेय बोतल, ये सब बिल्कुल भी नहीं ले जाना दोस्तों। आपको बता दें कि जैसे कि कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट खाने पीने का कुरकुरे हुआ या मिक्सचर बिस्किट, ये सब बहुत सारे चीज़ें जो कि खाने के लिए जो है अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर आराम से परीक्षा देते हैं और खाते हैं, तो ऐसा गलती ना करें। इस बार से ये सब सारे चीज़ें हटा दिए गए हैं, आपको कुछ भी चीज़ नहीं ले जाना। कोई भी अन्य वस्तु जैसे कि कैमरा हुआ, ब्लूटूथ हुआ, जैसे सूचना यंत्रों को छिपाने के लिए अनुचित तरीके का प्रयोग किया जा सके, यह सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं ले जाना। खाद्य पदार्थ हो जैसे खुला हो या पैकिंग किया हुआ, जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, तावीज़ भी नहीं ले जाना है, अंगूठी भी नहीं, ब्रेसलेट भी नहीं, कान की बाली भी नहीं, नथुनी भी नहीं, चेन भी नहीं, हार भी नहीं, पेंडेंट भी नहीं, बेज भी नहीं, बेल्ट भी नहीं, बैच भी नहीं, हेयरिंग नहीं, ग्लव्स भी नहीं, उसके बाद हेयर बैंड्स भी नहीं, ये सब सारे दोस्तों फाइल है जो कि आपको नहीं ले जाने। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं दोस्तों कि जो कि आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि नशे से धूत जो उम्मीदवार होंगे उसको भी बिल्कुल भी नहीं ले जाने। जो भी नशे से धूत होंगे, यानी कि बहुत सारा क्या करते हैं, ड्रग्स व्रग्स का नशा कर लेते हैं और वे सारे विद्यार्थी चले जाते, तो वो सब सारे चीज़ों से आप बचे। किसी भी प्रकार का कुछ भी चीज़ है दोस्तों ड्रग्स का, इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, सिंपल में जाएँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंपल में जाने का कोशिश करें। तो ये थे दोस्तों कुछ आज के नए रूल्स रेगुलेशन। आपको यह रूल्स रेगुलेशन कैसे लगा नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ये सारे के सारे चीज़ें दोस्तों आपको जो है बिल्कुल भी लेकर नहीं जाने हैं। अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन होगा,
कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट होगा तो नीचे कमेंट लिखिएगा ज़रूर, हम आपको बता देंगे कि आपको किस किस से रिलेटेड थे, क्योंकि इग्नू के परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा नीचे अपडेट आ रहे थे दोस्तों, जिसको लेकर हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए इस पर, तो आपके सामने इस वीडियो को प्रदर्शित कर दिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और जुड़ जाएँ आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।